एक बच्चा जब अपने लाइफ में पहली बार फुटबॉल को देखता है तो क्या सोचता है? अरे वाह, इतना मजा क्यों आ रहा है भाई। अरे भाई 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 भैया ने बॉल को उड़ा कर मारा। अरे भाई 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 भैया बताओ ना कैसे हुआ, बताओ ना एक बार बता दो ना भैया। भैया पैर पकड़ता हूँ भैया, एक बार बता दो ना कैसे हुआ, बताओ। और तब उसके दिल के अंदर से एक आवाज़ आती है कि मुझे फुटबॉल सीखना है, मैं फुटबॉल खेलना चाहता हूँ, मुझे इस खेल से प्यार है, मुझे फुटबॉल देखने में और खेलने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा पसंद आता है, और फाइनली मैं इस खेल से अपने लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करना चाहता हूँ, इस खेल को लेकर मैं अपने लाइफ में कुछ करना चाहता हूँ। तो वो जो पीरियड होता है, एक बचपन के टाइम है, वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल पीरियड होता है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पीरियड होता है। वो पीरियड में आपका एक्शन स्टेप्स, आपका डिसिप्लिन, आपका मोटिवेशन, आपके हार्ड वर्क, आपका जो मेंटालिटी जो होता है वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये डिसाइड करने के लिए कि आप फ्यूचर में जाके कितने बड़े प्लेयर बनेंगे, कितने स्किलफुल प्लेयर बनेंगे, कितने हाईली प्रोफेशनल प्लेयर बनेंगे, कितना सैलरी कमा पाएंगे, और फाइनली फुटबॉल को लेकर आप अपने ज़िंदगी में क्या कर पाएंगे, ये बचपन के टाइम से ही आपका तय हो जाता है कि बचपन में आपका मेंटालिटी कैसा रहता है, आपका डिसिप्लिन कैसा रहता है, आपका हार्ड वर्क, आपका वर्क एथिक, आपका एटीट्यूड कैसा रहता है, वही डिसाइड कर लेता है कि आप फ्यूचर में जाके फुटबॉल को लेकर क्या कर सकते हैं। और देखा गया है कि मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स का फुटबॉलर बनने का सपना इसीलिए पूरा नहीं हो पाता है क्योंकि वो राइट टाइम में राइट स्टेप्स नहीं लेते हैं और अपने फोकस से वो बहुत दूर चले जाते हैं। सो व्हाट्स गोइंग ऑन गाइस, दिस इज वशिष मानती है विजडम ऑफ द ब्यूटीफुल गेम, और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो थ्री इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में जिसको यूज करके एक बच्चा अपने बचपन के टाइम से ही अपने फुटबॉल कैरियर को एक राइट डायरेक्शन में लेकर जा सकता है और अपने फुटबॉल कैरियर के लाइफ में सक्सेस अचीव कर सकता है। तो अगर चैनल बने हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा क्योंकि दिस चैनल विल मेक यू वर्ल्ड क्लास। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, टिप नंबर 1, ऑलवेज फोकस ऑन द बेसिक्स। आप जब भी अपने कैरियर में पहले खेलना शुरू करेंगे तब आपको बेसिक स्किल्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ये जो फ्री स्टाइल ट्रिक्स होते हैं, जो फैंसी स्टफ्स, जो स्टाइलिश स्टफ्स जो होते हैं, स्टाइलिश चीज जैसे नकल बॉल हो गया या फिर रेबोना किक, फ्री स्टाइल ट्रिक्स अराउंड द वर्ल्ड, इसके ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। मतलब ध्यान आप चाहे तो कर सकते हैं लेकिन इतना ज़्यादा फोकस नहीं करना है, क्योंकि जब आप अपने बचपन की उम्र में जब आपको अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, आपका फुटबॉल का फाउंडेशन जिस उम्र में स्ट्रॉन्ग होना चाहिए उसी उम्र में अगर आप ये फ्री स्टाइल ट्रिक्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे तो जब आप रियल गेम सिचुएशन को फेस करेंगे तब आप रियल गेम सिचुएशन में ज़्यादा देर टिक नहीं पाएंगे। आप अपने ओपोनेंट से हार जाएंगे, ओपोनेंट्स आपको ह्यूमिलेट कर देंगे क्योंकि आपने तो इस जो गेम रियलिस्टिक स्टफ जो होते हैं उसको तो प्रैक्टिस नहीं किया होगा, आप गेम में दिखा नहीं पाएंगे। इसीलिए बहुत प्लेयर इसी के वजह से अगर वो गेम में कुछ खेल नहीं पाते हैं वो बोलते हैं कि मैं फुटबॉल गेम के लिए बना ही नहीं हूँ, ऐसे करके वो क्विट कर देते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। आप अगर ऐसा आप करेंगे, अगर आप नहीं प्रैक्टिस करेंगे गेम रिलीज स्टप्स और सिर्फ फ्री स्टाइल करते जाएंगे तो गेम में आपका इंपोर्टेंस धीरे 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 घटते घटते जाएगा, आप गेम के साथ मतलब जुड़ के जा नहीं पाएंगे, आगे नहीं जा पाएंगे। सो गाइस, अगर आप एक बिगिनर है और फुटबॉल खेलना शुरू ही किया है तो आप अपने शुरुआत के टाइम में बॉल कंट्रोल, ड्रिबलिंग, पासिंग, शूटिंग, वन वर्सेस वन स्किल मूव्स, हेडिंग, क्रॉसिंग, इन सब चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आप इन सब चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे तो आप अपने गेम में इन सब चीज़ों को यूज कर पाएंगे और इन सब चीज़ों में अगर जो अच्छा करता है एक गेम में अच्छा करता है उसका इंपॉर्टेंस उतना ही ज़्यादा बढ़ जाता है और उतना इफेक्टिव प्लेयर बन जाता है। कोच उससे प्यार करते हैं, टीममेट्स उससे प्यार करते हैं, उसके बिना टीम अधूरा हो जाता है। तो आप अगर इन सब चीज़ों पर ध्यान देंगे तो आप एक बहुत ही अच्छे प्लेयर बन पाएंगे, टीम को आपकी ज़रूरत होगी। तो टिप नंबर 1, ऑलवेज फोकस ऑन द बेसिक स्किल्स। सो गाइस, टिप नंबर 2, कीप द बॉल एट योर फीट एनी वेयर यू गो। अगर आप किसी भी जगह में जा रहे हैं, किसी भी काम को कर रहे हैं, बॉल को अपने पैर से लगाए रखें, बॉल को ड्रिबल करते रहिए या जगल करते रहिए। ये सुनने में थोड़ा वियर्ड लग रहा है लेकिन हाँ, ऐसा करने से आपके फुटबॉल कैरियर में बहुत ही ज़्यादा मैग्निफिसेंट इफेक्ट पड़ सकता है, बहुत ज़्यादा चेंज आ सकता है आपके फुटबॉल कैरियर में। वो कैसे कि आप अगर बॉल के साथ ज़्यादा टाइम बिताएंगे, अगर बॉल को अपने पास लगाए रखेंगे, हमेशा बॉल को अपने पास रखेंगे तो आप जो भी टच लेते रहेंगे बॉल के साथ आपका रिलेशन जो होगा वो ज़्यादा बढ़ते जाएगा। बॉल के साथ आपका रिलेशन बढ़ते जाएगा। बॉल के साथ जो बॉल को आप टच करते हैं वो जो मसल मेमोरी होता है, आप मसल मेमोरी को डेवलप कर पाएंगे बॉल के साथ जो मसल मेमोरी, और उसके बाद आप और भी ज़्यादा टेक्निकली शार्प, टेक्निकल स्किलफुल प्लेयर बन जाएंगे। बहुत ज़्यादा आप मतलब आपके माइंड जो चाहेगा आपका फीट वो एग्जीक्यूट कर पाएगा, आपका माइंड जैसा स्किल करना चाहेगा आपका बॉडी, आपका पैर वैसा स्किल कर देगा। आप अगर बॉल के साथ जितना टाइम बिताएंगे बॉल आपका उतना ही बात मानेगा।
तो टिप नंबर टू को ज़्यादा ध्यान दीजिए कि जहाँ भी आप जाए, जितना भी पॉसिबल हो, हर जगह तो लेकर जाना पॉसिबल नहीं है। आप अगर रास्ते में कहाँ जा रहे हैं जिसका रास्ता मतलब ख़राब हो या कुछ भी गाड़ी फड़ी चल रहा है, जो भी चल रहा है, तो आप रोड पे लेके जाना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन जितना भी हो सके बॉल को आपके पास लगाए रखना है। जितना भी हो सके बॉल के साथ आप जितना ज़्यादा टच लेंगे आप उतने जल्दी एक अच्छे प्लेयर बनेंगे। सो टिप नंबर थ्री, हैव फन विद द बॉल। अगर आप अपने आप को प्रेशराइज करके फुटबॉल खेलेंगे, अगर आपके दिल में थोड़ा डाउट होगा, आप डाउट के साथ फुटबॉल खेलेंगे कि अगर मैंने गोल मिस कर दिया तो क्या होगा, अगर मैंने पेनल्टी मिस कर दिया तो मेरे टीममेट मुझे कूट देंगे, मैंने गोल मिस कर दिया, मेरे क्रॉसिंग चांसेस मिस कर दिया, पासिंग गलत कर दिया तो कोच मुझे कूटेगा, ऐसे अगर आप ऐसे मेंटालिटी के साथ अगर खेलेंगे तो फुटबॉल जैसे ब्यूटीफुल गेम को एंजॉय करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। आप बिल्कुल भी फुटबॉल को एंजॉय कर ही नहीं पाएंगे। जिस टाइम में एंजॉय करना चाहिए, बचपन के टाइम में प्लेयर सब बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, बच्चे सब बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं और करना भी चाहिए, प्रेशराइज होकर नहीं खेलना चाहिए। लेकिन अगर आप ऐसे डाउट में खेलेंगे, प्रेशराइज सिचुएशन में खेलेंगे, दिमाग में आपका बहुत सारा थॉट चल रहा होगा हार जीत के बारे में, तो आप कभी भी फुटबॉल जैसे गेम को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। हर एक प्लेयर की जिंदगी में हार जीत, अप्स एंड डाउन्स ये सब आते रहते हैं, ये सब नॉर्मल है, ये सब आएंगे ही आएंगे। तो अगर आप एक अच्छे प्लेयर बनना चाहते हैं, अगर आप अपने प्लेइंग स्टाइल को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाहते हैं, तो ये सब डाउट फाउट आपको सब दूर करना होगा। ये सब हार जीत का मेंटालिटी, ये सब सोचना आपको सोचना बिल्कुल भी नहीं है। आपको सिर्फ खेलते रहना है, आपको सिर्फ खेल में घुसना है, जैसे भी करके आपको खेलते ही रहना है। मतलब आप अगर एक गेम को खेलने जाएंगे तो आपको इसी चीज़ के ऊपर फोकस करना है कि मैं कैसे फील्ड के अंदर घुसूंगा और कुछ भी करके खेलूंगा, चाहे आप गलत खेलें जो भी खेलें, आपको खेलते ही रहना है, आपको ज़्यादा उसके बारे में कुछ सोचना नहीं है। चाहे आप गोल मार पाए या नहीं मार पाए, चाहे आप गोल सेव कर पाए या नहीं कर पाए, आपको सिर्फ खेलते ही रहना है, गेम के ऊपर आपको फोकस करना है, आपको सिर्फ फील्ड के अंदर घुसना है और आपको खेलते रहना है। आप अगर अब जब बचपन के टाइम में आपको ये सब नहीं सोच के खेलना है कि मुझे गेम जीतने के लिए मुझे खेलना है या किसी को हराने के लिए मैं खेलना चाहता हूँ, ये सब के बारे में सोच के आपको फील्ड के अंदर कदम नहीं रखना है। आपको सिर्फ ये सोचना है कि मैं खेलना चाहता हूँ इसीलिए क्योंकि मैं खेल को प्यार करता हूँ, मुझे इस खेल से बहुत ज़्यादा प्यार है। ये सोचो, हारने जीतने का मेंटालिटी, अपने गेम एटीट्यूड, ये अच्छा है, ये आपको और सर जब आप बड़े होंगे तो आप इसको आपको सीरियसली लेना चाहिए। आप इस चीज़ को सीरियसली ले सकते हैं कि मुझे इसको हराना है, मैं गेम जीतना चाहता हूँ, मैं टीम वर्क पुट करना चाहता हूँ, मैं वर्क एथिक पुट करके इस गेम को अपने मुट्ठी में करना चाहता हूँ। तो ये सबको आपको थोड़ा बड़े होने के बाद सोचना है, लेकिन बचपन के टाइम में ये सबको सोचना नहीं है। आपको ये सबको बिल्कुल भी नहीं सोचना है, आपको सिर्फ इतना ही सोचना है मैं इस गेम को खेलने के लिए इसीलिए आया हूँ कि मैं क्योंकि मैं फुटबॉल से बहुत ज़्यादा बे इंतहा प्यार करता हूँ। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो गिव मी अ थम्स अप, लाइक बटन को प्रेस करना मत भूलना, अगर चैनल पर नए हो तो फिर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि दिस चैनल विल मेक यू वर्ल्ड क्लास। और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो आप इसको सोशल मीडिया पर शेयर कर सकते हैं, और मेरे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर मैं रेगुलर अपडेट्स डालता रहता हूँ, तो आप मुझे वहाँ भी अगर चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और टीममेट्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। तो गाइस, मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए लव दिस ब्यूटीफुल गेम, ट्रेन लाइक ए बीस्ट।